सो गाइस, क्या हाल चाल? यहाँ पर सुबह सुबह हम विनय भाई के घर आ गए हैं। इनका घर गिर रहा है, मतलब बनने के लिए तैयार हो रहा है नया घर। और आपको पता है मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ, तो अभी बताता हूँ। फिलहाल के लिए मैं आ गया हूँ जहाँ आना था, बाइक खड़ी कर दिए हैं और हम विनय भाई जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, नहाए वहाए हैं, फ्रेश हो गए हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं, बट यहाँ पर जा नहीं रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। और मंदिर किस लिए जा रहे हैं, आज है 9, क्योंकि 9 है नहीं, वीडियो अपलोड किया हूँ 9 को, ये 8 को मैं गया था मंदिर, जो कि आया हूँ, महाशिवरात्रि है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत मतलब भीड़ लगी है, आया था जल चढ़ाने, दर्शन करने बाबा भोलेनाथ का। तो यहाँ पर ये गोंडा का मंदिर है जहाँ पर हम रहते हैं, बाबा दुखरननाथ मंदिर। तो यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हम लोग जब आए यहाँ पर तो देख ली, हम मतलब सुबह सुबह आए तो 10 बज गया, तो यहाँ पर हम सोचे थे भीड़ वगैरह नहीं होगा, लेकिन यहाँ सुबह सुबह क्या 5-6 बजे तो रहता रहता है, 7 बजे यहाँ 10-11 बजे भीड़ है, मतलब 10:30 बज रहे हैं। विनय भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो मैं सोचा कि अब चलते हैं भाई, आज जल वल नहीं चढ़ाएंगे। तो विनय भाई भी बोले चलो चलते हैं, लेकिन मन से थोड़ी वो आई कि भाई नहीं, वापस नहीं हुआ जाता, मतलब जल चढ़ाते हैं बट शाम को चढ़ाते हैं, लेकिन शाम को भी भीड़ रहती है। तो हम सोचे हम जब शाम को भी भीड़ रहेगी और अभी भी भीड़ रहेगी, इससे अच्छा हम जल अभी ही चढ़ा दें। तो यहाँ पर लाइन भी लगी है, बहुत लोग जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाए हैं। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग पीछे आ गए हैं, पीछे आने के बाद यहाँ पर मतलब लंबी लाइन है, जैसे कि लड़कों की लाइन लगी है और यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं, मतलब औरत लोग हैं, तो यहाँ पर लाइन लगाए हैं, सबका अलग अलग लाइन लगा है। तो अब हम विनय भाई सोचें कि अब भाई क्या करें, मतलब इतना बड़ा लाइन है तो फिर कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग जुगाड़ नहीं, हम लोग लाइन में ही लगेंगे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा पास से लगेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग की एंट्री हो गई थी, एक लोग ने करा दी थी, ऐसा आप नया सोचिए कि भाई पूजा करने आए हैं तो लाइन तो लगाना पड़ेगा, ऐसे मतलब जल जब चढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं माना जाएगा, हम लोग का दर्शन की अधूरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम लोग लाइन लगाए थे, लेकिन थोड़ा वहाँ से लगाए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अब देख सकते हैं पुलिस लोग भी हैं, यहाँ पर हम जल ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, एक अंकल हैं तो यहीं पीछे लगे थे, हम लोग को लगवा दिए थे कि भाई आप लोग आओ जल चढ़ा दो। तो जल चढ़ाने के बाद मैं आ गया हूँ चंदन का लेप लगाने, जो कि सब लोग लगाते हैं, तो मैं भी देखा, देखने के बाद सोचा हम भी लगवा लें, शंकर भगवान जो ऐसे त्रिशूल वाला बनाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो हम विनय भाई साथ में आए हैं चंदन का लेप लगवाने, और जो चंदन का लेप लगाते हैं इसका चार्ज लेते हैं, वो लोग पूछते हैं ऐसा थोड़ी लगाते हैं, तो इसका हम लोग ने 20 रुपये दिए हैं, विनय भाई 10 रुपये, हमने 10 रुपये। पूजा करके डायरेक्ट हम लोग केला खाएं, कितने का केला था भाई? भाई बोल रहे हैं कि 60 रुपये केला था, ये केला खिलाएं भाई, ये नहीं, ये केला खिलाएं भाई, पेट नहीं भरा लेकिन हम लोग अभी मन भर गया। केला खाने के बाद डायरेक्ट आ गए हैं समोसा मटर खाने, बट यहाँ पर मटर है ही नहीं, केवल समोसा समोसा है, बट कोई ना, पेट तो इससे भी भर जाएगा, भूख मिट जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर समोसा समोसा केवल खा रहे हैं चटनी के साथ। यहाँ पर हम लोग गन्ने का जूस पीने आ गए हैं, समोसा खाने के बाद थोड़ा तीखा लग गया था तो हम लोग पीने आ गए हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है, मतलब ठंडी है, तो मैं इस टाइम में अगर पीता हूँ तो मुझे खांसी आने लगती है, मतलब सर्दी हो जाती है, फिर भी हम पी रहे हैं क्योंकि तीखा लग गया था, और बगल में समोसे के बगल में जस्ट गन्ने का रस था, तो हम सोचे पी लें। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, मैं काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंगो से और गन्ने का रस पीता रहता हूँ। तो भाई से मैं पूछ रहा हूँ भाई कितने का है, मुझे ज़्यादा मत देना क्योंकि खांसी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, तो मैं 10 रुपये वाला गिलास लेता हूँ। तो एक है विनय भाई के लिए और उसके बाद भाई लगाएंगे हमारे लिए। भाई देख सकते हैं कितने गोरे हैं, ये लगता है इंग्लैंड के हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक हमारे लिए, नमक डाल के भाई लगाते हैं मस्त वाला, तो इसको हम पी के फिर चलते हैं विनय भाई को घर, छोड़ते हैं उनके घर। तो यहाँ पर भाई विनय भाई बाइक चला रहे हैं, अब जा रहे हैं इनको घर छोड़ेंगे, घर छोड़ने के बाद अब फिर मैं चलूँगा अपने घर, तो बोलो हर हर महादेव। तो फाइनली मैं भी अपने घर आ रहा हूँ, मम्मी छत पे हैं मेरी वीडियो बना रही हैं, और ऊपर से यहाँ पर धन्नो खड़ी है धूप में भाई, तो मैं अब डायरेक्ट गेट के अंदर करता हूँ, और शाम को जो रात को है शादी होगी, भोलेनाथ की शादी, तो हो सकेगा अगर टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगा। तो अभी तो गाड़ी खड़ी कर देते हैं अपनी, धन्नो खड़ी कर देते हैं, फिर शाम का सोचेंगे कि जाना है या नहीं
ही जाना है क्योंकि अभी बज रहे हैं एक, मतलब एक या दो बज रहे हैं क्योंकि काफ़ी दोपहर हो गया है भाई, फेस मेरा काफ़ी काला हो गया, मैं धूप में ज़्यादा टाइम जब रहता हूँ तो ऐसा कुछ हो जाता। फिर मैं रात में सोचता हूँ अगर जाना होगा तो मैं जैसा होगा वीडियो बताऊँगा। तो यहाँ पर रात में मैं आ गया फ़िलहाल टाइम, क्योंकि होता नहीं कि भाई भगवान जी बुला लेते हैं, तो यहाँ पर मैं रात में आया। रात में भाई कितना जगमग जगमग कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अच्छा तो है लेकिन दिन से काफ़ी ही ज़्यादा भीड़ है, उसमें लाइन लगी थी लेकिन रात में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी बज रहे हैं 7:30, तो यहाँ पर भीड़ है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मैं भी आया हूँ, मैं सोचा था डांस करने को बट वहाँ पर जाने में बहुत ही क्या बताऊँ भाई। तो यहाँ पर किसी तरह मैं आ गया भाई, एक दोस्त मिल गए मेरे, इसी में मैं कूद रहा हूँ। और वहाँ पर डीजे, एक ही डीजे है तो उसमें डांस वांस किया काफ़ी, मतलब धूल वूल यहाँ पर चोट भी मुझे लग गई। तो अब नहीं सोच रहा हूँ कि अब भाई अब डांस नहीं करना है, केवल ऐसा साथ में रहना है। और मैं भी सोच रहा हूँ कि अब घर चला जाऊँ, काफ़ी रात हो गया, 8:30-9 बज गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत क्राउड है, मतलब बहुत ही लोग आए हैं। तो फिलहाल मेरा मन अब कर रहा कि घर जाऊँ, यहाँ पर बाबा दुखरन नाथ का दर्शन करके अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि वहाँ ही काफ़ी रात हो गया तो अभी घर जाऊँगा। और जो शादी होती है, मतलब जो विवाह होता है, तो ये नहीं दिखा पाए फिलहाल के लिए। तो बोलते हैं जय दुखरन नाथ बाबा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को मेरी लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों।